आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल यादव, अखिलेश यादव से नाराज चल रहे दोनों नेता। मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा, मैं आजम के साथ सीएम योगी के सामने रखूंगा आजम की पीड़ा। सियासी समीकरण पर बोले, करिए समय का इंतजार। सभी बहस फेल हो ही चुकी है, केवल एक बचा हुआ, उसकी भी बहस हो चुकी तो बहुत जल्दी उस पर निर्णय करना चाहिए। सीतापुर जेल में आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात पर बोले ओपी राजभर, कहा अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है शिवपाल, आने वाले वक्त में सब एक मंच पर आएंगे नजर। जल्द हो सकती है सपा के सहयोगी दलों की बैठक, ओपी राजभर सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने की कर रहे पहल। बैठक में सुभाषपा, महान दल, अपना दल कमेरावादी हो सकते हैं शामिल, आरएलडी, जनवादी पार्टी एसभी इसमें शामिल हो सकती है। आजम खान को एक और मामले में अगर बेल मिली तो आ सकते हैं जेल से बाहर। 72 में से 71 मामलों में आजम को मिल चुकी है जमानत, सिर्फ एक केस में हाईकोर्ट में बेल का इंतजार, हफ्ते भर में आ सकता है फैसला। वाराणसी में सीएम योगी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बैठक, सीएम योगी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के बीच द्विपक्षीय वार्ता, यूपी के विकास और अन्य मसलों पर दोनों नेताओं में बातचीत। बैठक में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हुई शामिल। वाराणसी में सीएम योगी ने देर रात लिया विकास कार्यों का जायजा। गुरुवार को सीएम के सामने मंत्रियों का प्रेजेंटेशन खत्म, सीएम योगी ने गृह विभाग सहित कई विभागों का देखा प्रेजेंटेशन। 100 दिन में एसटीएफ अयोध्या यूनिट के गठन के दिए निर्देश, पुलिस सुधार को लेकर बड़े निर्देश। सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने भी उठाया बड़ा कदम, परिसर तक सीमित की गई मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज, सीएम योगी ने दिया था आदेश। सीएम योगी के लाउडस्पीकर पर सख्ती के बाद नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 डीजे संचालकों पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर लिया एक्शन। यूपी में बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए जल्द बनेगा बोर्ड, सीएम ने दिए निर्देश। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनाया जाएगा, सभी 75 जिलों में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन करने के भी निर्देश। अधीनस्थ करेगा 24,000 से ज्यादा भर्तियां, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी, 34 लाख से ज्यादा का इंतजार युवाओं का होगा खत्म। आयोग इसी साल 14 भर्ती परीक्षाएं करेगा आयोजित, आयोग 18 सितंबर को करेगा दूसरी पीटी का आयोजन। यूपी के समूह घ के 20,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएंगी भर्तियां, एडेड स्कूलों में भी 3,089 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा आज कर सकता है सरेंडर, 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी आशीष की जमानत, 25 अप्रैल को पूरी हो रही है आशीष के सरेंडर की मियाद। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा के भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा का एक मेले में जूता हुआ चोरी, मेले के उद्घाटन में पहुंचे थे विधायक, नंगे पांव वापस लौटे। प्रयागराज एसएसपी ने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड, प्रयागराज ने के कीरगंज थाना प्रभारी मनोज यादव सस्पेंड, मैराना चौकी के प्रभारी मनोज कुमार भी सस्पेंड, आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाने और विवेचना सही नहीं करने का आरोप। मोदी नगर में छात्र की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, ट्वीट कर लिखा कि दोषियों के अलावा संबंधित परिवहन अधिकारी की भी जवाबदेही तय हो। देर रात ही निलंबित हुए गाजियाबाद के एआरटीओ सतीश कुमार और विश्व प्रताप सिंह, आरआई प्रेम सिंह पर भी गिरी गाज। गाजियाबाद में बच्चे की मौत के विरोध में सड़क जाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इंस्पेक्टर अनिता चौहान ने दर्ज कराया केस, पुलिस के कार्रवाई ना करने से नाराज लोगों ने लगाया था जाम। एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर, गाजियाबाद के स्कूलों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 756 स्कूल बसों को काली सूची में डाला गया, गाजियाबाद के 166 स्कूलों की बसों की फिटनेस खत्म, गाजियाबाद शहर के 13 नामचीन स्कूलों की बसें भी इसमें शामिल, परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को दिया नोटिस।
लखनऊ के 11 स्कूल्स को नोटिस, तय दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने का आरोप। यूपी पुस्तक मंडल व्यापार की शिकायत पर नोटिस, शिकायत सही मिलने पर स्कूल मैनेजर प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से बच्ची समेत दो की मौत, एक दर्जन लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती, दो लोगों की हालत गंभीर। कानपुर में नाली खोदने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी युवकों ने एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात नवबस्ता के गड्रियन पुरम इलाके में अंजाम दी गई। आरोपी युवक वारदात के बाद हुए फरार। कुशीनगर में युवती का हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते वीडियो हुआ वायरल। युवती के ऊपर नोट बरसाते दिख रहे हैं लोग। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत का ये वायरल वीडियो। पीलीभीत के पूरनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई खींचतान। जबरन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मेरठ में मंचले के सड़क पर पिटाई, छात्र के भाई ने मंचले को पीटा। छात्रा को लगातार फोन करके कर रहा था परेशान। लड़की के भाई ने रंगे हाथों पकड़ा, सबक सिखाया। पब्लिक ने वीडियो बनाई। थाना सिविल लाइन के आरडी डिग्री गर्ल्स कॉलेज के बाहर का मामला। कानपुर में करण गेस्ट हाउस के मालिक सिद्धार्थ चड्ढा की गुंडा कर दी। लेन देन के विवाद में युवक को पीटा, जान से मारने की धमकी दी। पीटने के बाद युवक की सोने की अंगूठियां और दो मोबाइल छीनने का आरोप। गोविंदनगर थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से बगावत कर सपा में शामिल हुए तिलहर के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को पूर्व विधायक ने दी थी चुनौती। हाल ही में राजस्व विभाग की टीम ने उनकी सरकारी संपत्ति की कराई थी जांच। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने गंगधारी गांव में ग्राम समाज की जमीन से हटाया अवैध कब्जा। कुछ लोगों ने करीब 3 करोड़ की जमीन पर कर रखा था कब्जा। देश में कोरोना फिर से पकड़ रहा रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज हुए 2451 नए मामले, 56 लोगों की मौत, 1231 लोग डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमण के कुल मामले हुए 4,30,49,974। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस हुए 14,241। अब तक 4,25,14,489 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 5,22,062 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में दो की मौत। बांदा बहराइच मार्ग पर ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर, टक्कर में बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत। वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। अयोध्या में बारात से लौट रही कार नहर में गिरी। कार में सवार थे 5 युवक, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। शारदा सहायक नहर में गिरी थी कार। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। जनपद में नहीं थम रही आग लगने की खबरें। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। औरैया के फफूद थाना के खेत में लगी आग। औरैया के जुआ गांव में खेत में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिश में खेत में ट्रैक्टर से घुसा किसान। आग के तेज होने से ट्रैक्टर से कूदकर बचाई जान। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बाजार में लगी भयंकर आग। आग की जद में आए कई मकान और दुकानें, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। परिवार वालों ने भागकर बचाई जान। पुलिस और दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। कानपुर में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। बस में 3 लोग थे मौजूद। राहगीरों की माने तो नशे की हालत में बस चला रहा था ड्राइवर। मेरठ करनाल हाईवे पर सवारियों से भरी बस पलटी, हादसे में कई लोग घायल। जलंधर से बहराइच जा रही थी बस, ग्रामीणों राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची लापता। शादी समारोह में माता पिता के साथ आई थी बच्ची। बच्ची के लापता होने से हड़कंप। पीलीभीत के निजामपुर गांव में किसान पर बाघ ने किया हमला। आसपास खेतों में काम कर रहे मजदूरों किसानों ने बाघ के चंगुल से किसान को छुड़वाया। घायल किसान अस्पताल में भर्ती।
हरदोई में करंट लगने से चाचा भतीजे की मौत, साले ने फांसी लगाकर दी जान। बहनोई और चचेरे भांजे की मौत के सदमे से आहत था युवक। खेत में काम करते समय एसटी लाइन का तार टूटने से हुआ हादसा, शिकायत के बाद भी नहीं बदले गए तार, किसानों में नाराजगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विकासनगर में हादसे का शिकार हुई कार, दुर्घटनाग्रस्त कार में दो लोग थे सवार, कई दोनों को आई मामूली चोटें, दोनों खतरे से बाहर। स्थानीय लोगों ने सीएससी में भर्ती कराया, एक्सीडेंट के कारण का नहीं हुआ खुलासा। कालसी ब्लॉक के पिटियानी का मामला। फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाते समय जेसीबी के इंजन में लगी आग, लपटे निकलने से मची भगदड़, मिट्टी और पानी डालकर आग पर पाया गया काबू। मेरठ में कड़ी सुरक्षा के बीच गो तस्कर अकबर बंजारा और भाई के शव को सुपुर्दे खाक किया गया। शव फलावदा में पहुंचे लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला कराया शांत। असम में हमले में हुई थी मौत। एटा में एक शख्स की पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई, पकड़े गए शख्स पर लखनऊ में युवक की किडनी निकलवाने का आरोप, दो महीने बाद हुआ मामले का खुलासा। हल्द्वानी के भीमताल शहर से कुछ ही दूर पहले सड़क के किनारे सुसाइड पॉइंट से कूदकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड पॉइंट के नीचे जंगलों की तरफ लगी हुई थी आग, आग से युवक का शव झुलसा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के काली मंदिर के मंदिर चोरों ने हाथ साफ किया इस मंदिर पर, मंदिर के ताले को तोड़कर मंदिर से घंटा, साउंड मशीन, पीतल के बर्तन, दान पात्र से नकदी लेकर हुए फरार। अलीगढ़ में दहेज लोभियों ने बहू का सिर मुंडवाकर चाकुओं से हाथ पैर काटे, दो दिन तक कमरे में बंद कर किया प्रताड़ित। पड़ोसियों की सूचना पर मायके पक्ष के लोगों ने अधमरी हालत में बेटी को छुड़ाया, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। हरदोई में भाई ने की भाई की हत्या, पिता को भी किया घायल, डेढ़ बीघा जमीन को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई का किया कत्ल, बेटे को बचाने पहुंचे पिता को भी चाकू मारकर किया घायल, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज, आरोपी पर मामला दर्ज, बिहानी कोतवाली क्षेत्र के रंगाई का मामला। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी, 400 ग्राम जेवर बरामद, लॉकर इंचार्ज के जरिए बरामद हुए जेवर, 11 लॉकर से लगभग 4 करोड़ के जेवर गायब मिले हैं, लॉकर इंचार्ज शुभम की संपत्ति पता लगाने की कोशिशें जारी। कुशीनगर में पशु तस्करों के साथ पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़, एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, कसिया इलाके में नहर के पास हुई मुठभेड़। रामपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी हत्यारोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, बदमाश के कब्जे से बाइक और हथियार बरामद। उन्नाव में अधेड़ शख्स की हत्या से मचा हड़कंप, मामूली विवाद के बाद हत्या का आरोप गांव के युवक पर है, शख्स की हत्या का आरोप। नोएडा फेस 3 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी गैंगस्टर बदमाश गौरव मुठभेड़ में घायल, लूट के कई मामलों में चल रहा था वांटेड, बदमाश के कब्जे से तमंचा, बाइक और कारतूस पुलिस ने किए बरामद। प्रदेश में चल रही बिजली संकट पर सीएम ने किया मंथन, बैठक में ऊर्जा विभाग के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चंपावत उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने भी कसी कमर, सीएम धामी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, कड़े मुकाबले की जताई जा रही उम्मीद। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, यात्रा के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए, पेयजल संकट और जाम की समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग, लोगों की बड़ी मुश्किलें, महिलाएं जंगल में आग बुझाने में जुटी। उत्तरकाशी में रिहायशी इलाके में गुलदार आने से लोगों में दहशत, गेहूं के खेतों में घूमता दिखा गुलदार, एक बकरी को बनाया शिकार। कानपुर में कोरोना के दो नए संक्रमित मिले, सक्रिय मामले हुए 7, रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर शुरू हुई रैंडम चेकिंग। नैनीताल में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट, विद्युत आपूर्ति भी हुई ठप।
श्रीनगर के गढ़वाल के जंगलों में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। कई दिनों से शांत होने का नाम नहीं ले रही है आग। श्रीनगर मार्ग के आसपास आग ने धारण किया विकराल रूप। वाराणसी के संकटमोचन संगीत समारोह में भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रस्तुति दी। अनूप जलोटा के भजन को सुनकर मंदिर परिसर हुआ भक्तिमय। दिल्ली के लाल किले में सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। लाल किले से पीएम मोदी ने संबोधित किया, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चलते अस्थायी परिसर में विराजमान रामलला को सता रही है गर्मी। 41 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है तापमान। अस्थायी परिसर का एसी भी हुआ खराब। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ट्रस्ट के सदस्यों से कई बार की शिकायत। चंदौली में एक निजी लॉन में आयोजित शादी में तमाम स्टॉल्स के बीच सुर्खियों में रहा रक्तदान शिविर का स्टॉल। लॉ ग्रेजुएट दूल्हा दुल्हन पिछले 3 साल से कर रहे सामाजिक संस्था का सहयोग। दोनों ने शादी के मंडप के साथ लगवाया रक्तदान शिविर। बुलंदशहर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा। छापेमारी में सुहाना ट्रेडर्स के गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी राशन बरामद। गोदाम के मालिक पर FIR दर्ज, सील किया गया राशन। कासगंज के नगर क्षेत्र के विद्यालय आज भी कायाकल्प योजना से कोसों दूर। पिछले 5 सालों में महज 4 स्कूल भी कायाकल्प योजना में लिए गए, जबकि 35 स्कूलों को नहीं मिल रहा योजना का फायदा। बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश और टैलेंटेड यंग दीवाज में एक अनन्या पांडे ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है। अनन्या की एक्टिंग और फिल्म्स के साथ उनके लुक्स और स्टाइलिश अवतार के भी चर्चे हैं। अनन्या पांडे ने बिकनी लुक शेयर किया है, हॉट नजर आ रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल इस साल 17 मई से शुरू होने वाला है। ऐश्वर्या इस फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर दिखाई देंगी। हालांकि अभी एक्ट्रेस या उनकी टीम की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। भूल भुलैया पार्ट 2 फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का पहला लुक सामने आया है। हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ।